हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले के हजारों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का लाभ मिला, लेकिन इस मामले में अपात्र किसान पिछले लंबे समय से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार को इस मामले की जानकारी मिली तो तत्परता से कार्रवाई करते हुए पाया गया कि इनमें से सरकार ने पलवल जिले में अब तक 183 किसान को अपात्र पाया है। अपात्र किसान 18,04,000 रुपए की राशि सरकार से ले चुके थे, जिसकी रिकवरी के आदेशों को लेकर कृषि विभाग द्वारा किसानों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें से कुछ किसानों ने किसान सम्मान निधि के लगभग 2,68,000 रुपए की धनराशि वापस कर दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2,000 रुपए करके भेजी जाती है। इस योजना की अब तक 14 किस्तें दी जा चुकी हैं। कृषि खंड अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि किसानों को नोटिस दे दिया गया है, लेकिन कुछ किसान अभी तक इस राशि को नहीं लौटा पाए हैं, जो कि चिंता का विषय है, जिसमें 18 किसान की तो मौत हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन लेने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। हालांकि इस योजना का लाभ उन किसानों के लिए है जो सरकार की अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे, जबकि 1,80,000 से कम आय वाले किसानों के लिए योजना सरकार द्वारा दी जा रही थी। बहरहाल सरकारी योजनाओं का इस तरह से अपात्र लोगों का लाभ उठाना देश का कोई नया मामला नहीं है। बहरहाल देखना ये होगा कि आवेदन के समय अपात्र किसानों से जो फार्म भरवाए गए थे उनमें किन अधिकारियों की लापरवाही रही, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें सरकार की जो गाइडलाइन आई उनमें कुछ ऐसे थे जो पेंशनर रिटायर थे सरकारी डिपार्टमेंटों से और पेंशनर थे जिनकी आय 1,80,000 से ऊपर थी, तो ऐसे पलवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 183 फार्मर हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिन पर कुल रिकवरी 18,04,000 रुपए बनती है। उनमें से करीब 18 फार्मर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब तक जो रिकवरी हुई है 2,68,000 की रिकवरी हो चुकी है, बाकी और सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सर, किस तरह की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे? इसमें अभी ऐसा कुछ गाइडलाइन पूरी आई नहीं थी हमारे पास कि भाई किसको देना है किसको नहीं। जैसे जैसे नई नई गाइडलाइन आती है, सरकार की जो हिदायत आती है उनके अनुसार हम अपना कार्य विभाग करता है। बताएंगे इसका मामले का खुलासा कैसे हुआ? इसका खुलासा तो सरकार से हमारे पास जो आई थी कि भाई लिस्ट आई थी कि इन फार्मर से इतने फार्मर आपके डिस्ट्रिक्ट में 183 फार्मर बनते हैं जिनकी रिकवरी 18,04,000 रुपए बनती है, इसको इनको नोटिस जारी करके इनसे अपना वसूली करें। तो क्या ये वो किसान थे जो विभिन्न विभागों में सरकारी पदों पर कार्य कर रिटायर हो चुके थे? हाँ जी, सब वही हैं, ज्यादातर जो विभागों से रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये उन्हीं के पैसे बनते हैं, बाकी फार्मर से अभी किसी से नहीं लिए जा रहे। जब किसान सम्मान निधि की जब लिस्ट तैयार की थी तो किस महकमे को इसका जिम्मेवारी दी गई थी, तो किसकी गलती मानी जाएगी इसमें? इसमें देखो जी, रेवेन्यू भी था जो जमीन की वो करता था, एग्रीकल्चर भी था, ये मिली जुली काम हुआ, कोई एक पर्टिकुलर उस पर तो था नहीं डिपार्टमेंट पर की करना। कब लिस्ट आई है और कब तक इसकी रिकवरी के आदेश मिले? 28 जून को 2024 को हमारे पास लिस्ट आई है, जो मई को भी 28 मई को 2024 को हमारे पास ये जो सूची प्राप्त हुई है भारत सरकार से, और इससे 30 से हमने फिर इलेक्शन होने की वजह से 30 के बाद इसको कार्यों को शुरू किया। जिन लोगों से पैसा वापस नहीं आ पाएगा तो क्या उनके खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ देखो सरकार की क्या, हम तो जानकारी इनको नोटिस दे के आगे सरकार को वो कर देंगे इन्फॉर्म, जो उनका बनता होगा, जो आगे से गाइडलाइन आएंगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।